नमस्कार दोस्तों, मैं कस्तूरी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा करेले की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भरवा करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg करेले लिए हैं। इनको मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसके आगे पीछे के डंठल को निकाल देंगे और इसे चाकू की सहायता से इसकी जो ऊपर की लेयर है उसे हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर आप मेरे तरीके से करेले की सब्जी बनाएंगे तो आपको करेले की सब्जी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इस तरह से सारे करेले को छील लेंगे और इसमें बीच में से कट लगाकर इसके अंदर के जो बीज है उन बीज को हम निकाल लेंगे। आप जब भी करेले खरीदें तो छोटी साइज़ के खरीदें, क्योंकि छोटी साइज़ के करेले खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक लेंगे और नमक लेके इन करेले के ऊपर डाल देंगे और इनको अच्छे से हाथों की सहायता से इस तरह से मसल लेंगे और इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ के रख देंगे। ऐसा करने से इनका जो कड़वापन है वो बिल्कुल निकल जाएगा। हमने जब करेले छीले थे तो करेले का जो छिलका निकला था उस छिलके को हम इस तरीके से अच्छे से निचोड़ लेंगे। निचोड़ के जो भी इसका जो कड़वा पानी है वो निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसमें भी नमक डाल के रख देंगे। देखिए कितना सारा कड़वा पानी निकल रहा है। तो इस पानी को साइड करके फिर इसके बाद हम इस छिलकों में नमक डाल के रख देंगे। इसी की वजह से जो करेले की सब्जी है वो कड़वी लगती है, लेकिन हमने इसका पानी निकाल लिया है तो हमारी सब्जी बिल्कुल कड़वी नहीं बनेगी। नमक डाल देना है इसके ऊपर और इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। 15 से 20 मिनट होने के बाद जो भी इनमें एक्स्ट्रा पानी जमा हुआ है उसे हल्के हाथों से इस तरीके से निचोड़ लेंगे और इन्हें एक बार वापस अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे। और इसी तरीके से हम जो ये वाला जो छिलका बचा है करेले का, इस छिलके के पानी को भी निचोड़ के अच्छे पानी से धो के और वापस इसे एक बार स्ट्रेनर में छान के रख देंगे। अब हम सूखे मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और उसके ऊपर एक पैन रख दिया है। पैन में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 2 चम्मच धनिया डालेंगे साबुत, और इसे अच्छे से रोस्ट करके हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया था। उसे गर्म होने के बाद मैंने इसमें करेले डाल दिए और हम करेले को अच्छी तरीके से इसके अंदर फ्राई होने देंगे। करेले को फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें। इन्हें फ्राई करने में 8 से 10 मिनट का समय लगा है और फ्राई होने के बाद आप इन्हें इस तरीके से निकाल लीजिए। अब हम उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम करने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 8 से 10 कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 2 इंच अदरक ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद 1 बड़ा प्याज उसमें डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जब प्याज पक जाए तब उसमें टमाटर डाल देंगे। फिर उसके बाद उसमें 1/3 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे और 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें करेले के छिलके डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें हमारे रोस्ट किए हुए मसाले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो स्टफ है करेले में भरने का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। जब मसाला हमारा ठंडा हो जाए तब हम इसे करेले में इस तरह से भर लेंगे। तो हमने सारे करेले इस तरीके से भर के तैयार कर लिए। अब हम चलते हमारे लास्ट प्रोसेस पे, जिसके लिए हमने उसी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया। तेल गरम होने के बाद हम इसमें हमारे स्टफ़ वाले करेले इसमें डाल देंगे और इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद हम इन्हें इस तरीके से एक बार पलट लेंगे। पलटने के बाद हम फिर से इसे 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। 1-2 मिनट होने के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, भरवा करेले की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है।